And welcome to the lecture on simplex method. So I will be discussing this simplex method with the help of an example presented here. This example shows the question of maximization subject to few constraints. Agar hum is question ko apne ek standard function ke saath compare karenge, so what you observe here is कि C1, C2, C3 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशियंट्स को. A11, A12 एक्सेट्रा ये रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशियंट्स हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन को, और B1, B2, B3 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स को. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू चेक अप हियर इज़ दैट ऑल बी आईज आर पॉजिटिव, यानी कि B1, B2, B3 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव होनी चाहिए. तो वो हमारे क्वेश्चन में है. सो स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन सेज कि हमें अपने कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में से इन इक्वालिटीज़ को हटाना है और वहाँ पर इक्वालिटी का साइन लेकर आना है. सो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस? For this, we have to introduce a variable known as slack variable as S1, S2 and S3, which you can see in equation 1, 2 and 3. And accordingly, हम objective function में modification करेंगे, यानी कि जो हमारा objective function है, उसमें S1, S2, S3 को हम add करेंगे with coefficient 0, because they are not going to give any change to the objective function. Step 2. स्टेप टू में हम डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि X1, X2, X3 को ज़ीरो रखेंगे, और इसके थ्रू हम इक्वेशन 1, 2 और 3 से S1, S2, S3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. अगर हम इन वैल्यूज़ को अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सिट्यूट करते हैं तो वहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आती है 0. ये हमारा फर्स्ट फीजिबल सॉल्यूशन है हमारी गिवन प्रॉब्लम का. स्टेप 3 में हम एक टेबल बनाएंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट फीजिबल सॉल्यूशन. सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, द लाइन इन द पर्पल कलर दैट शोज द कोफिशियंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि C1, C2, C3 से लेकर C6 तक हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशियंट्स. CSV स्टैंड्स फॉर करंट सॉल्यूशन वेरिएबल. हमने अपने अज्यूम्ड सॉल्यूशन से S1, S2, S3 से एक सॉल्यूशन निकाला, तो उसको हमने CSV के अंडर जो येलो कलर से हाइलाइटेड है वहाँ पर मार्क कर दिया. CSV के जो कोफिशियंट्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यानी कि C4, C5, C6, वो हम EI के कॉलम के अंडर रिप्रेजेंट करेंगे. फिर X1, X2, X3 हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं. S1, S2, S3 हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं. इनके कोफिशियंट्स जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन में प्रेजेंट है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बाय मीन्स ऑफ A11, A12, A13 एक्सेट्रा, विच इज़ ऑल हाईलाइटेड विद ग्रीन कलर. एंड BI कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन. सो दिस यू कैन सी कि जो कोफिशियंट्स हमने S1, S2, S3 के CJ की रो में जो मैंशन किए हैं, वही सेम कोफिशियंट्स हम EI के कॉलम में मेंशन करेंगे. सो नाउ देयर इज अ कंपैरिजन. आई हैव शोन द इक्वेशंस आल्सो एंड द टेबल आल्सो. CJ के कॉलम में सारे कोफिशिएंट्स हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हैं. X1, X2, X3, S1, S2, S3 के कॉलम्स में वो सारी कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं जो हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में प्रेजेंट हैं. BI हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड कांस्टेंट वैल्यूज हैं. तो इस तरीके से हमारा टेबल 1 बन जाएगा. नाउ टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी हैव टू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस इन दिस. तो वो कैलकुलेशंस क्या है? स्टेप 1 में हम EJ कैलकुलेट करेंगे विच इज समेशन ऑफ EI इंटू AIJ. सो व्हाट यू कैन सी द हाइलाइटेड पार्ट, 0 × -1 प्लस 0 × -1 प्लस 0 × 1. तो EIJ कॉलम की वैल्यू, पहले कॉलम की वैल्यू आई 0. सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू 0 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 1, ये भी हमें वैल्यू मिली 0. सो लाइकवाइज सारे कॉलम्स में हम EJ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. आफ्टर दिस वी हैव टू कैलकुलेट CJ माइनस EJ, यानी कि CJ का कॉलम 12 माइनस 0 इज गिविंग 12. सो इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे.
देन सी जे माइनस सी जे में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे और वहाँ से हम अपना इनकमिंग वेरिएबल को चूज़ करेंगे. यानी सी जे माइनस ई जे की रो में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे इनकमिंग वेरिएबल को, और ये कॉलम हमारा कहलाएगा की कॉलम. सिमिलरली हमें आउटगोइंग वेरिएबल चूज़ करना है, उसके लिए हमें एक रिप्लेसमेंट रेशियो थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिप्लेसमेंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम बी आई की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे. सो बी आई वैल्यू डिवाइडेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम. फॉर एग्जांपल इन दिस केस 0/1, फिर 0/0 इन्फिनिटी, फिर 100/1 इज़ गिविंग यू 100. तो जहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू आ रही है 0, उसको हम एक एप्सिलॉन वैल्यू मानेंगे विच इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और रिप्लेसमेंट रेशियो में से हम लीस्ट यानी कि मिनिमम पॉजिटिव रेशियो को चूज़ करेंगे. कीपिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, हमारा की रो जो है वो हाईलाइटेड वाला रो बना है, वहाँ से ये पता चला कि हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है S1. तो अगले टेबल अगली आइट्रेशन में S1 जो है वो X2 से रिप्लेस हो जाएगा. देन दिस वन बिकम्स द की एलिमेंट विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ की कॉलम एंड की रो. नेक्स्ट आइट्रेशन को बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है. हमारा रेड से जो हाईलाइटेड है वो की एलिमेंट है, उसको हमें 1 करना है, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी 1 है. द रेस्ट एलिमेंट्स इन द की कॉलम शुड बी 0. तो R2 रो का जो एलिमेंट है वो तो 0 है, लेकिन R3 रो का एलिमेंट हमें 0 करना पड़ेगा. 0 करने के लिए हम R3 रो को R1 से माइनस कर सकते हैं ताकि हमारा R3 रो का एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए. सो परफॉर्मिंग ऑल दीज कैलकुलेशंस वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर न्यू टेबल. एंड वन थिंग मोर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि जब हम R3 को R1 से माइनस कर रहे हैं, सो इन दैट केस ये कैलकुलेशंस हमारी BI कॉलम तक जाएंगी, यानी कि 100-0 ऐसे करके यहाँ लिखा जाएगा. नाउ X2 हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन द करंट सॉल्यूशन वेरिएबल, और जो कोफिशियंट CJ वहाँ पर 15 जो मार्क था वही हमने EI कॉलम के अंडर भी लिख दिया. सो दिस बिकम्स आर न्यू टेबल टू परफॉर्म फर्दर कैलकुलेशंस. Now, to know the solution of the objective function, हमारा current solution variable से ये पता लगा कि वहाँ पर X2, S2 और S3 जो exist कर रहे हैं उसी से हम अपना Z function का value निकालेंगे. So the values will be taken under the column of BI, which means कि X2 वहाँ पर 0 है, S2 हमारा 0 है और S3 हमारा 100 है. बाकी एलिमेंट्स जो X1, X3 और S1 बचे वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज़ को हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेंगे. जब आप ये सारी वैल्यूज़ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ Z एज 0. सो दिस बिकम्स आर फर्स्ट आइटरेटिव सॉल्यूशन. ये हमारी कैलकुलेशंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तब तक चलती रहेंगी जब तक हमें CJ-EJ में पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती रहेंगी. जैसे ही हमें वहाँ पर जीरोस या नेगेटिव नंबर मिलने शुरू हुए, हम वहाँ पर आइट्रेशन अपना स्टॉप कर देंगे और जो भी जेड की वैल्यू आई वो हमारा फाइनल आंसर होगा. सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड व्हाट सिंपलेक्स मेथड इज़ ऑल अबाउट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इट ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.